नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज, मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल और गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस की प्रदेश व्यापी आधे दिन के बंद के दौरान कांग्रेसियों ने इंदौर के रीगल चौराहे पर अनूठा प्रदर्शन किया। रीगल चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर जाकर क्रिकेट खेला और विरोध जताया। मूल्य वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेसियों ने कार्यकर्ता को डमी पीएम भी बनाया। कांग्रेसियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार कर गई है, वहीं डीजल के दाम भी 85 रुपए तक पहुंच गए हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। जरूरत की हर वस्तु महंगी हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल ने दावा किया है कि उनके आधे दिन के बंद के आह्वान को शहर के कई व्यापारी एसोसिएशनों का भी समर्थन मिल रहा है। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन देते हुए दोपहर 2 बजे तक अपने दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का फैसला किया है। वहीं सारे पेट्रोल पंप भी सुबह 9 से 12 बजे तक बंद रहेंगे। किस तरह का पूरा आधे दिन तो बंद रखा आपने, क्या तैयारी की है? देखिए, आज हमने विरोध प्रदर्शन करा, अनोखा विरोध प्रदर्शन करा है। हमारी परिपाटी रही कि हम अलग तरह से कुछ बताना चाहते हैं। जिस तरह से पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है, तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने डमी बनाया है। आज हमने उनको एक वर्ल्ड कप भी दिया है और उन्होंने यहाँ क्रिकेट खेल के बताया है, मतलब बॉल का रूप है। बॉल को हमने बताया कि ये पेट्रोल पंप के बाहर जो बॉल है, ये बॉल पेट्रोल की तरह, उसको उन्होंने छक्का मारा है और छक्का मार के उन्होंने सेंचुरी पूरी की। और निरंतर मेरे को लगता है कि वो दोहरी सेंचुरी की तरफ जा रहा है। वो दोहरी सेंचुरी इस साल में कर लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी कथनी करने में कितना अंतर है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 पैसे पेट्रोल पर पड़ने पर वो सड़कों पर आ जाते थे, उनके केंद्रीय मंत्री तक सड़कों पर आ जाते, मगर आज उन सबके मुँह में दही जम गया है। तो इसी के विरोध में आज हमने प्रदर्शन करा और इंदौर मुकम्मल बंद है। आप जहाँ भी जाएंगे, सभी व्यापारिक संगठनों ने हम लोगों को पूरा समर्थन दिया और इंदौर मुकम्मल बंद रहेगा 2 बजे तक। हमने आधे दिन का बंद इसलिए रखा है क्योंकि जो आम जनता है, जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, तो उसके लिए भी हमने सोचा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ में रहती है, तो उनको उनके हित को भी सोचते हुए हमने आज आधे दिन का बंद रखा है। एसोसिएशन ने आपको बंद रखने का हुआ? देखिए, अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर इंदौर शहर और पूरे संभाग के जितने भी व्यापारिक संगठन रहते, सब अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंडर में आते हैं और अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें पूरा समर्थन दिया। कैसे आप क्या शहर भर में घूमेंगे? हाँ, पूरे शहर में हम हाथ जोड़ के व्यापारियों से निवेदन करेंगे कि आप अपना व्यापार को बंद रखें, क्योंकि अगर जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तो ये निरंकुश सरकार, जो हिटलर शाही की सरकार हो गई है, सरकार इसी तरह दमनकारी नीति अपनाती रहेगी। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला न्यूज। नमस्कार।